किचन ऐसा कि कुकिंग जब आप कर रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर आपके किचन में आए यहीं पे आपसे बातें करने लगे, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए विंडो भी, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी, साउंड प्रूफ सिंक भी और साथ में फ्रिज के लिए स्पेस भी। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें ओपननेस महसूस हो, पूरा खुलापन आपको नजर आए, और वही ये 4BHK का फ्लैट है। पूरा देखिए स्पेस, इस तरह का ड्राइंग रूम डिजाइन यहाँ आपको मिल जाता है, टीवी पैनल आपको यहाँ मिल जाता है। बालकनी वाला अगर आपको बेडरूम चाहिए तो सर आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, यहाँ पूरा आपको क्लोजेट की तरह वॉशरूम मिल जाता है, और यहाँ आपको मिलता है इस तरह का बेडरूम 6x6 के बेड लगने के बाद भी जगह मिलती है। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे अभी हम लोग देखेंगे 130 गज में बना हुआ घर, जिसमें आपको लिफ्ट की सुविधा मिलती है, कार पार्किंग आपको मिल जाता है, और फ्लैट में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, वो सारी चीज़ें मिलती है। बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी के साथ बहुत ही अच्छी लोकेशन में ये अभी हम लोग फ्लैट देखेंगे। गेटेड सोसाइटी के अंदर ये पूरा बनाया गया है जो अभी आप देख पा रहे हैं, और इस पे आप होम लोन भी ले सकते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर सही मिलेगा यहीं, और सर जो हम लोग घर बनाते हैं, घर के आसपास आपको सारी सुविधाएं मिलती है। जहां पे ये आपको फ्लैट मिलता है, इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको इस तरह का पूरा मॉल मिल जाता है। द्वारका में जो बड़ा सा पार्क है वो इसके ठीक नियर बाई है, और जहां पे ये फ्लैट आपको मिलेगा उसके आसपास चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, मेट्रो स्टेशन हो, ई रिक्शा हो, सारी चीज़ की आपको सुविधा मिलती है। और किचन में हम खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे कितना स्पेसियस किचन। तो चलिए मैं यहाँ से लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आसपास की लोकेशन, आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है। देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं गेटेड सोसाइटी के अंदर, इस तरह की चौड़ी और साफ सुथरी सड़क के ठीक साथ में ये पूरी बिल्डिंग आपको मिल जाती है। यहाँ से जो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे वो पार्किंग देखिए कितना ब्यूटीफुल, प्रोफाइल लाइट के साथ ये पूरा आपको पार्किंग मिल जाता है। और साथ में बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखेगी, इस तरह से जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको इस तरह से दिख जाएगा। चलिए अब मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ कि आपके घर का जो लेआउट है वो कैसे कैसे रहेगा, कहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। हम चाहते हैं आप जहाँ भी हमें देख रहे हो, इंडिया में या इंडिया से बाहर, टीवी में, लैपटॉप में, मोबाइल में, जैसे भी आप हमें देखते हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपका टाइम बचाया जा सके, आपको अच्छी से पूरी वीडियो एक्सप्लेन करके बता सकूं, ताकि आप आने से पहले जज कर सकें कि आपको कौन सा फ्लैट विजिट करना है। और अपने पास सारे ऑप्शन होते हैं, चाहे वो 1BHK हो, 2BHK हो, 3BHK हो, 4BHK हो, एल टाइप मकान हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोन कैसे होता है, क्या क्या पेपर लगता है, तो इस तरह की हमने जो वीडियो है वो बना दी है। रजिस्ट्री कैसे होता है, उसमें क्या क्या पेपर लगते हैं, तो इस तरह की हमने वीडियो बना दी हुई है। तो इस तरह से सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल पे, एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पे मिल जाएगा, और जितनी आपको जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेआउट की हम बात कर रहे थे, यहाँ से आप अपने घर में एंट्री लेंगे, जैसे आप एंट्री लेते हैं तो इस तरफ आपको एक वॉशरूम मिलता है, ये अटैच है एक्चुअली दूसरे बेडरूम से। यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ आपको एक बेडरूम मिल गया, सेकेंड बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है, फिर हम जब यहाँ चलते हैं तो थर्ड बेडरूम यहाँ मिलता है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है और बैल्कनी भी मिल जाती है। ये मॉडलर किचन आपको मिल गया, और यहाँ फोर्थ बेडरूम मिलता है, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है और बैल्कनी है। 3 वॉशरूम है, 4 बेडरूम है, एक इस तरह का ड्राइंग रूम है और एक मॉडलर किचन। इस तरह से पूरा आपके घर में जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको मिल रही है। चलिए ड्राइंग रूम देख लेते हैं। हम लोग ने हालांकि यहाँ पे स्मॉल साइज़ का सोफ़ा और टेबल लगाया हुआ है, आप बड़े साइज़ का सोफ़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको जगह मिलती है। थोड़ा पीछे जाइए अमन, और टाइल्स की डिज़ाइन दिखाइए। हमेशा हम लोग डिजिटल टाइल्स यूज़ करते हैं जो स्क्रैचलेस होता है, ईजी टू मेंटेन होता है,
इस तरह का। अगर ऊपर सीलिंग की डिजाइन दिखाऊं तो बहुत ही लैविश डिजाइन सीलिंग की बनाई गई है, जिसमें फैंसी लाइट्स है, दो फैन है, फॉल सीलिंग में कॉब लाइट एलईडी लाइट्स है, और इसका जो बैक वॉल आपको मिल रहा है पीयू पेंट यहाँ पे किया गया है, और यहाँ ये पूरा आपको डिजाइन प्रोफाइल लाइट के साथ मिल जाता है। इस तरफ अगर आप बैठे हैं, आपको टीवी देखने का मन है, आप टीवी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए इस तरह का बड़ा सा आपको पूरा टीवी पैनल मिलता है। इसके नीचे ये सारे आपको ड्रॉर्स भी मिल जाते हैं, देखिए चार यहाँ कैबिनेट्स आपको मिलते हैं जिसमें कुछ आप स्टोर भी कर सकते हैं। और इस तरफ जो सामने दीवार मिलती है पीओपी का यहाँ पे काम किया गया है, उसमें रोज गोल्ड स्ट्रिप्स भी लगाई गई है। आप चाहें तो बहुत ही प्यारी सी अपने घर की जो एक मेमोरेबल पिक्स होती है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके ठीक ऊपर एसी की वायरिंग करके दी गई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जब आप एसी लगाएं, वो हैसल फ्री हो। तो इस तरह का पूरा आपके ड्राइंग रूम में स्पेस मिल जाता है। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग किचन। पहले किचन का एक बार पूरा स्पेस दिखाइए। किचन अगर घर में हो तो ऐसा ही, क्योंकि किचन जान होती है आपके फ्लैट की। जो कुकिंग का शौक रखते हैं उनके लिए किचन का वेंटिलेशन होना, स्पेसियस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वेंटिलेशन से सबसे पहले बता दूं, यहाँ बड़ी सी आपको विंडो मिल जाती है, यहाँ वेंटिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक चिमनी यहाँ लगाई गई है, और स्लैब जो है इसका पत्थर दिखाइए, कुछ कटिंग चॉपिंग भी करेंगे तो यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्क्रैच नहीं दिखेगा। और साथ में ये जो सिंक मिलता है साउंड प्रूफ तो है ही, लेकिन डबल बास्केट के साथ, आप डबल बास्केट इसको नहीं कह सकते हैं, सिंगल बास्केट है, उसके इस तरफ प्लेटफॉर्म दिया गया है और यहाँ टैप दिया गया है जिसे आप अपने सुविधा अनुसार मूव कर सकते हैं, और इसी के ऊपर आरओ या गीजर के लिए जगह दिया गया है। ये सारे स्पेस आपको मिल रहे हैं, ऊपर इतने सारे कैबिनेट बनाए गए हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोलिक चैनल है वो हम लोग ने यूज़ किया है, और यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। नीचे मैं दिखाऊं, बड़े बड़े कैबिनेट्स बनाए गए हैं, देखिए सॉफ्ट क्लोज चैनल हम लोग ने इसमें यूज़ किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत तेज़ी से जब आप इसे लगाएंगे तब भी आवाज़ नहीं आएगी, बहुत आराम से लगेगा। और हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कॉर्नर आपके किचन में बना के दे, वहाँ पे आप बड़ा कंटेनर जो किचन में होता है वो रख सके। यहाँ भी आपको इस तरह के बड़े कैबिनेट्स मिल जाते हैं। गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी आ चुकी है, आप चाहें तो गैस कनेक्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरे ऊपर सीलिंग के डिज़ाइन के साथ ये एक स्पेसियस आपको किचन मिल जाता है। फ्रिज के स्पेस की हमने बात नहीं की, वो यहाँ जाएगा, यहाँ आप अपना बड़ा सा, जितना बड़ा भी आप फ्रिज यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं। चलिए एक बार शुरुआत इस तरफ से कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ने एंट्री ली है, जो वॉशरूम मैंने दिखाया था, एक बार दिखाइए अमन। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो सब हम इसमें लगा के दे रहे हैं। टाइल्स रूफ तक किया गया है, इसमें वैनिटी वॉश बेसिन के साथ मिलता है, जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब है। अब इसी के साथ जो बेडरूम आपको मिल रहा है, फर्स्ट बेडरूम, वो यहाँ मिलता है। जो वॉशरूम भी हमने देखा, दोनों तरफ से एंट्री है, इस तरफ से भी है और आपके ड्राइंग रूम की तरफ से भी है। यहाँ ड्रेसिंग टेबल दिया गया है, ये सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं, आप कॉस्मेटिक्स रिलेटेड कोई स्टफ है वो आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ भी आपको ड्रॉर्स मिल जाता है। यहाँ जो ये पूरा वार्डरोब आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग ने स्लाइडिंग डोर दिया है, जैसे आप ओपन करेंगे ये पूरी प्रोफाइल लाइट अपने आप जल जाएगी इस तरह से, जैसे आप बंद करेंगे क्लोज हो जाएगा। स्लाइडिंग डोर दिया गया है ताकि स्पेस बचाया जा सके। अंदर भी माइका यूज़ किया गया है और बाहर में सिल्वर स्ट्रिप्स के साथ माइका यूज़ किया गया है। ऊपर भी आपके बड़े सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं। सीलिंग की डिज़ाइन दिखाइए, इस तरह से फॉल सीलिंग की आपको डिज़ाइन मिलती है। हालांकि 130 गज इसका यूजेबल एरिया आपको मिलता है, तो मूवमेंट के लिए अच्छी खासी आपको जगह मिलती है। उस तरफ जाइए मन, आप 6x6 का बेड लगाने के बाद, किंग साइज का बेड लगाया हुआ है, उसके बाद भी ये पूरा आपको मूवमेंट के लिए जगह मिलता है। चलिए चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। ये आपको सेकेंड बेडरूम मिल जाता है, इसमें हम लोग ने इसे ऐसे ही छोड़ा है, से पेंट करके। अगर आप चाहेंगे वॉलपेपर किसी दीवार में लगवाने के लिए तो हम लगा देंगे। फॉल सीलिंग इस तरह की डिज़ाइन आपको मिल जाती है, और इसमें भी जो एसी की वायरिंग है वो हम लोग करके दे रहे हैं। चलिए अब चल लेते हैं और देख लेते हैं अपना मास्टर बेडरूम। चैनल पे अगर नए हैं और दिल्ली में आप घर ढूंढ रहे हैं एक से बढ़कर एक, वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको एम सानवी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास। यहाँ 6x6 का बेड दिया गया है, जिसमें कुशनिंग का काम देखिए इस तरह से किया गया है, और इसके साथ में यहाँ अगेन वार्डरोब मिलता है।
जिसमें ये स्लाइडिंग डोर है और नीचे दिखाइए हमें, और इधर भी आपको डोर मिल जाता है। उसके बाद ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पूरा जगह मिलता है। टीवी पैनल इसमें भी आपको मिलता है, प्रोफाइल लाइट पीछे लगाई गई है, इस तरह का टीवी पैनल भी यहाँ दिया गया है। स्पॉटलाइट हम लोग ने यूज़ किया है, और इसी के साथ अटैच वॉशरूम आपको यहाँ मिलता है। इसमें भी जितनी सैनिटरी फिटिंग है वो हम लोग करके दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो आपको मिल जाता है, और इसी के साथ आपको मिल जाती है बैल्कनी। बैल्कनी में हम लोग ने टफन ग्लास लगाया है, स्टेनलेस स्टील लगाई गई है जो 304 ग्रेड की होती है। चलिए अब चल लेते हैं फोर्थ बेडरूम में। सर अगर आपको फ्लैट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं तो सर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको इस तरह के फ्लैट्स की ज़रूरत है। अब अगर मैं इस बेडरूम की बात करूं जो हमारा फोर्थ बेडरूम है, वो भी देखिए कितना शानदार पूरा डिज़ाइन इस तरह से दिया गया है, कर्व लुक में। पीयू का यहाँ पूरा पॉलिश मिलता है, और यहाँ फैंसी लाइट्स यूज़ की गई है। ऊपर दिखाइए सीलिंग की डिज़ाइन इसमें भी आपको मिलती है, बहुत ही डिसेंट सी। और जो वार्डरोब आपको मिलता है वो यहाँ इस तरह का बड़ा सा, इसमें भी स्लाइडिंग डोर यूज़ किया गया है। अलग अलग तरीके के बॉक्सेस इसमें बना के दिए गए हैं। इसके साथ जो अटैच वॉशरूम मिलता है वो इस तरफ है, और इसके साथ भी आपको बैल्कनी मिल जाती है। पूरी आपने 4 BHK की डिटेल टूर ले ली है जो 130 गज में बना हुआ है, दिल्ली जैसे शहर में है, मेट्रो स्टेशन के पास है, सारी सुविधाएं आपको मिलती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ई रिक्शा हो, कैब हो, सब चीज़ गेटेड सोसाइटी के अंदर ही आपको फ्लैट मिल जाता है। प्रीमियम फ्लैट हमने अभी आपको दिखाया, अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हैं फ़ोन उठाइए, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को फ़ोन कीजिए, हमारे कस्टमर केयर में फ़ोन लगाइए और वहाँ से पूरी डिटेल्स लीजिए। जब आप फ्लैट देखने आएंगे तो आपको इस फ्लैट के अलावा और भी बड़े सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, वो भी दिखाया जाएगा। तो सर अगर आप चाहते हैं मैं एक जगह पे जाऊं, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए, जो भी वैरायटी आपको चाहिए, जो भी ऑप्शन चाहिए, तो सर आप हमारे पास आइए, एम सानवी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास आइए, दिल्ली जैसे शहर में ट्रस्ट का दूसरा नाम एम सानवी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, और इसीलिए हमारा टैगलाइन भी है घर सही मिलेगा यहीं। थैंक यू।